नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट स्ट्रोक और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। बात राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी हार के बाद आज पहली बार अमेठी गए और वहां पर जाकर उनका ये कहना था कि वो वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो वहां कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं, और साथ साथ पीछे की खबर ये भी थी कि शायद वो अपने हार पर चिंतन भी करना चाह रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या रही। लेकिन इस बीच उन्होंने ये ट्वीट के माध्यम से ही इसका जिक्र किया कि वो अमेठी जा रहे हैं, और ट्वीट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और उसको लेकर लोगों का थैंक यू वो बोला, क्योंकि उनके जो फॉलोवर हैं ट्विटर पर वो 1 करोड़ पहुंच गए हैं, और उसको लेकर उन्होंने थैंक्स लिखा और उन्होंने कहा कि मैं अमेठी जाऊंगा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, उन सबको थैंक यू करूंगा। पहली बात, राहुल गांधी बहुत लेट नहीं हो गए अपनी हार पर मंथन करने के लिए। थोड़े दिन तो कोप भवन में थे, अब उससे बाहर निकले तो वो हार का मंथन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, उनको लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जाहिर सी बात है उनके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। अमेठी में जिस हॉस्पिटल के वो ट्रस्टी हैं, उस हॉस्पिटल के बाहर लिखा है कि यहाँ पर लोग बीमार होने के लिए आते हैं, ठीक होने के लिए नहीं। इस तरीके के स्लोगन्स लिखे मिल रहे हैं। जहां राहुल गांधी अमेठी पहुंचे हैं तो उनका स्वागत अब इस अंदाज में अमेठी वाले कर रहे हैं कुछ। अब उन्होंने हालांकि थैंक यू बोला कि 1 करोड़ ट्विटर पर फॉलोवर हो गए, लेकिन बॉलीवुड को ये रास नहीं आ रहा है। बॉलीवुड के एक व्यक्ति जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के वो को प्रोड्यूसर रहे हैं, अशोक पंडित, उनका जिक्र मैं कर रही हूँ। उन्होंने बाकायदा इस पर एक ट्वीट किया, उनके ट्वीट के जवाब में, और क्या लिखा उन्होंने, लिखा कि दुर्भाग्य से जो वोटों में तब्दील नहीं हुए, यानी उन्होंने जिक्र किया कि थैंक यू 1 करोड़ फॉलोवर्स के लिए, और उसके जवाब में अशोक पंडित लिख रहे हैं कि दुर्भाग्य से ये जो 1 करोड़ है वो आपके वोट में तब्दील नहीं हुए। 1 करोड़ ट्विटर फॉलोवर्स में से लगभग 99 लाख के करीब हैं, लेकिन मैं बतौर नेता आपकी क्षमता पर भरोसा नहीं करता। और इस तरह अशोक पंडित ने राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधा, यानी उनके लीडरशिप पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर विरोध राहुल गांधी का केवल पॉलिटिकल लोग नहीं, अलग अलग खेमे के लोग निकल कर आ रहे हैं और राहुल गांधी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक बात तो बिल्कुल ये भी तय है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। सबको पता है कि मोदी गवर्नमेंट वापस आ रही है, मोदी 2 इस वक्त गवर्नमेंट उनकी बन चुकी है। तो ऐसे में राहुल गांधी जो ये मैसेज दे रहे हैं कि वो शायद हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो मैसेज राहुल गांधी का देना गलत एक तरीके से सामने आ रहा है। उन्हें उसको स्वीकारना था, कार्यकर्ता से मिलने की सुध जो अब आप ले रहे हैं उसको पहले लेना चाहिए था, और आप अध्यक्ष पद को छोड़ने की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ठीक है, उन्होंने कहा हार की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक कदम केवल राहुल गांधी का बहुत सही रहा है, क्योंकि शायद वो समझ रहे हैं कि अब एक नहीं 2 बार वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, 2 बार। तो ऐसे में ये एक अकेला रास्ता है जो कांग्रेस को जो है नई ऊंचाई दे सकता है। हो सकता है इसमें राहुल गांधी पीछे रह जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी नई ऊंचाई को छू सके। लेकिन अब सवाल ये कि उनका अध्यक्ष पद भी किसे मिलता है, उन सब पे भी मंथन राहुल गांधी को करने की जरूरत है और बहुत जल्द करने की जरूरत है।